नमस्कार दोस्तों, जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार हमारी यही आदत जीवन में हमें कभी भी धनवान नहीं बनने देती है। उन छोटी छोटी 7 आदतों में अगर आप परिवर्तन कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी भी नाराज़ होकर नहीं निकलेगी और आप अपनी आर्थिक परेशानी से दूर हो जाएंगे। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उससे आप ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहला ऐसा कौन सा उपाय है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात है जूठा खाना छोड़ना। अधिकांश लोगों में देखा जाता है दोस्तों, व्यक्ति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना थाली में परोस लेता है लेकिन उसे पूरा खा नहीं पाता है, ख़त्म नहीं करता है, जिसके चलते वह खाना फेंक देते हैं। शास्त्रों में इसी के कारण गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताया गया है कि जब हम खाना जूठा छोड़ते हैं तो माँ लक्ष्मी हमारे अन्न से अन्नपूर्णा देवी नाराज़ हो जाती है और माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती है, जिसके कारण हम गरीब होते ही रहते हैं और हमारी गरीबी का वो दूर नहीं हो पाती है। और गरीबी दूर नहीं हो पाती है जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, दूसरा तरीका क्या है जिसके कारण हमारे गरीब होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, आज से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि खाना जूठा ना छोड़ें। अब दूसरा कारण है बिस्तर की साफ़ सफाई। प्रतिदिन अपने बिस्तर की साफ़ सफाई नहीं करना भी घर में दरिद्रता का प्रमुख कारण बनती है। घर की सफाई के साथ साथ बिस्तर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। काफ़ी लोगों में देखा गया है कि दिन में सोना है, क्या हुआ अभी झाड़ते नहीं है बिस्तर, बाद में एक साथ ही सफाई कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वेट करते हैं जो काम वाली आएगी वो ही बिस्तर झाड़ देगी, इससे आप परेशान हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती है। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप बिस्तर से उठें आप अपने बिस्तर को झाड़ कर और एक बार ज़रूर सही करें, ताकि माँ लक्ष्मी आप पे विराजमान हो और आप पर कभी ये परेशानी ना रहे। अब तीसरी बात करते हैं झाड़ू की। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू, सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ही नाराज़ हो जाती है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ हो जाती है। यदि आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं तो वह घर की सफाई ही नहीं बल्कि अपनी खुशियों की सफाई भी आप कर देते हैं। घर में ना तो आपको सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना है और ना ही आपको घर में सूर्यास्त के बाद पोछा लगाना है, क्योंकि दोनों ही काम करने से दोस्तों माँ लक्ष्मी आपसे तुरंत नाराज़ हो जाती है, जिसके कारण आप पर वो माँ लक्ष्मी कृपा नहीं कर पाती है। और कृपा नहीं हो पाती है तो आप टेंशन में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन हो, आपका विकास नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं चौथा कारण क्या है। अब हम बात करते हैं बर्तन की सफाई। महिलाएं कई बार आलस के कारण जूठे बर्तन जल्दी नहीं साफ़ करती है। कहा जाता है कि खाना खाने के बाद यदि जल्दी जूठे बर्तनों को घर में रखा जाता है तो शनि का अधिक प्रभाव पड़ता है और खाना खाने के तुरंत बाद ही यदि उन बर्तनों को साफ़ किया जाता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है, जिसके कारण आपके घर में कभी भी अगर आप जूठे बर्तन रखते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होने के कारण वो आपके पर कृपा नहीं रख पाती है। तो दोस्तों, आज से ध्यान रखें, जूठे बर्तन तुरंत साफ करें। अब 5 नंबर कारण है दिशा। जी हाँ, घर के उत्तर पूर्व दिशा में भूल कर भी कभी भी भारी चीज़ को ना रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसा करने से व्यक्ति का भाग्य हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ देता है और साथ ही साथ उसका भाग्य कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उसके मानसिक दबाव कारण वो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी उससे दूर हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अब माँ लक्ष्मी, 6वां कारण है थूकना। यदि आप भी अपने आसपास घर के दीवारों पर थूकते हैं, घर में आसपास थूकते हैं, तो उसके कारण भी माँ लक्ष्मी दूर हो जाती है। आप अपनी आदत को बदलें,
क्योंकि आसपास थूकने से दरिद्रता आती है और शास्त्रों में बताया गया है कि आसपास या जगह जगह थूकने से माँ लक्ष्मी है वो तुरंत नाराज़ हो जाती है, जिसके कारण आप पर माँ लक्ष्मी का कभी भी आशीर्वाद नहीं बन पाता है और आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। अब लास्ट पॉइंट है दोस्तों, गंदा बाथरूम। यदि कोई व्यक्ति अपना बाथरूम गंदा ही रखते हैं, नहाने के बाद वो अपने बाथरूम को साफ नहीं करता है, गंदा रखने से चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाती है, जिस वजह से हमें भारी बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माँ लक्ष्मी एक ही मिनट में नाराज़ हो जाती है और आप पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं बना पाती है, तो जिसके कारण आप हमेशा गरीब रहते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें आज से, कि जो 7 कारण बताए हैं उनको ज़रूर सही करें और अपने इन छोटी छोटी आदतों से ही आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश कर सकते हो और माँ लक्ष्मी की हमेशा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।